बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस का एक एग्जांपल है यहाँ पर, फोर मासेस ए बी सी एंड डी कैरिड बाय अ रोटेटिंग शाफ्ट आर एट अ रेडियस ऑफ 110, ये सारी रेडियस हमें यहाँ पर दी गई है, आर ए यानी कि ए की रेडियस, बी सी एंड डी की रेडियस वो एमएम में दी गई है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिख दिया, एंड यहाँ पर हमें वेट दिया गया है। द प्लेन्स इन विच द मासेस रिवॉल्व आर स्पेस्ड 600 mm अपार्ट एंड द मासेस ऑफ बी सी डी आर, यहाँ पर हमें वेट दिए गए 16 kg, 10, 8, ये बी सी एंड डी के हैं। फाइंड द रिक्वायर्ड मास ए, ए का मास हमें फाइंड करना है, एज वेल एज द रिलेटिव एंगुलर पोजिशन ऑफ द फोर मासेस सो दैट द शाफ्ट इज अ कम्प्लीट इन बैलेंस। जब कम्प्लीट बैलेंस में होगी तब ये ए बी एंड सी एंड डी का जो एंगुलर पोजिशन है वो हमें फाइंड करनी है। तो मास ऑफ ए हमें फाइंड करनी है, उसके सिवा जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है एम ए बी सी डी वो हमने यहाँ पर लिखा, उसके साथ ही यहाँ पर रेडियस। फिर हमें एक पूरा एक टेबल बनाना है जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले प्लेन कॉलम में लिखना है ए बी सी एंड डी, फिर मास की बारी वो हमने लिख दिए, फिर रेडियस की बारी इन मीटर वो हमने यहाँ पर लिख दिए, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू एम इंटू आर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, तो एम ए इंटू 0.11, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ ए अवेलेबल नहीं है तो हमने ऐसे ही लिख देना है 0.11 इंटू एम ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, उसी तरह से सारा मल्टीप्लिकेशन लिख लिया। फिर डिस्टेंस फ्रॉम आर पी यानी कि रेफरेंस प्लेन, हमें यहाँ पर ये एम ए कॉन्स्टेंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें ये कर देना है, कंसिडर कर लेना है कि ए के रेफरेंस के थ्रू ही हम सारे एंगुलर पोजिशन फाइंड करेंगे, या कह सकेंगे कि ये कपल पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एम ए की अननोन वैल्यू है। अगर यहाँ पर हम ए के सिवा बी सी या डी को रेफरेंस लेकर चलते तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता, तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमारे पास पोजिशन भी अवेलेबल नहीं है किसी की भी, सो इसलिए हम ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाते। सो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एम ए वाली जो पूरी रो है उसको जीरो लेकर चलना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले कपल यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वहाँ ये एम ए वाली अगर ये जीरो रहेगी तभी हम इन तीनों की मदद से हम कंपास का यानी कि परिकर का यूज कर हम पूरा कपल पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया है, अब हमें कहा गया था कि सारे जो मासिस जो अवेलेबल है ए बी सी एंड डी वो 600 mm अपार्ट है, यानी कि एक दूसरे से 600 mm दूर है, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस रहेगा 600, उसी तरह से बी एंड सी का 600, सी एंड डी का 600। अब आगे हमें क्या करना है, कपल पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो उसके लिए कोई सुटेबल एक स्केल लेना है सबसे पहले, तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है, तो सबसे पहले टेबल में हमें उसकी वैल्यू एक बार नजर देख लेनी है। यहाँ पर हमने यह डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, तो हमने रेफरेंस किसको लिया है, ए को लिया है, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस बी सी या डी को लेता तो यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट एक वैल्यू आती और उसको साथ लेकर मुझे पूरा कपल पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें एक की भी एंगुलर पोजीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इन सारी तीनों जो रियल वैल्यूज है उसका यूज कर मैं पूरा एक कंपास की मदद से पूरा एक कपल पॉलीगन डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करूंगा, तो मुझे एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट वाली वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आसानी से ये रियल वैल्यूज का यूज कर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले 1.34 ये बी की वैल्यू है फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम ए, यहाँ पर डिस्टेंस ओके यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम आर पी यानी कि रेफरेंस प्लेन एल इन मीटर, तो सबसे पहले ये देख ले हम यहाँ पे, तो हमने ए को रेफरेंस लिया है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा ए एंड बी का,
ये डिस्टेंस रहेगा 600 यानी कि 0.6 मीटर। उसी तरह से ए से सी का डिस्टेंस रहेगा वो 1.2 मीटर रहेगा, 600 प्लस 600 यानी कि 1200 यानी कि 1.2 मीटर। और ये डिस्टेंस रहेगा यहां से ये 1.8 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस यहां रहा। अब मुझे इसका यूज कर ये पूरा कॉलम कपल का फिल करना है। अब कपल क्या है, वो है एम आर इंटू एल यानी कि ये जो हमने सेंट्रिफ्यूगल फोर्स निकाला उससे डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, इस तरह से पूरा हमने कॉलम निकाल लिया। अब मुझे इस चीज का यूज कर पूरा कपल पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करना है। नाउ सबसे पहले मैंने यहां पर स्केल ले ली है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये कपल की वैल्यू है, ये कपल पॉलीगॉन डायग्राम है पूरा। अब सबसे पहली जो वैल्यू है बी की वो है 1.34, तो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1.34 यानी कि मैंने यहां सारी वैल्यूज लिखी है, ये है कपल की वैल्यूज है, कपल की वैल्यूज किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, ये जीरो, बी की 1.34, ये जीरो है तो इसे हमने यहां पर कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि वो इटसेल्फ जीरो है। नाउ ये 1.34 तो स्केल रख कर हमें ये एज्यूम करना है कि बी है उसको हमने रेफरेंस ले लिया है। अब एंगुलर पोजीशन के लिए रेफरेंस है बी, उसको हमने जीरो कंसीडर किया है तो यहां जीरो डिग्री यानी कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टली एक 1.34 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो जो कि हमने यहां पर कर दी। 1.34 हम 1.3 यानी कि यहां तक ये दो वैल्यू तक हम परफेक्टली सेंटीमीटर के यूज कर ड्रॉ कर पाएंगे तो हमने 1.35 इतना कुछ ड्रॉ कर लेना है। ये है 1.35 कुछ इस तरह से ये लाइन बना ली हमने। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, कंपास या परिकर जो भी आप बोलो उसका यूज कर अब हमें आर्क लगानी है। हमारे पास सी एंड डी दोनों का डिस्टेंस अवेलेबल है। नाउ अगर देखे ये है 2.54 तो हमें सबसे पहले यहां पर 2.5 और थोड़ा 4 यानी कि 2.55 तक हो जाए उतना ले लेना है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेना है। तो अगर ये हो गया तो यहां से इस प्रकार से एक आर्क बड़ी सी लगा देनी है। अब अगर आपको पता लग जाए कि यहां पर ही ये आर्क आएगी तो ठीक है, वरना एक पूरी बड़ी सी आर्क लगा देना जिससे दूसरी बार आपको आर्क लगानी ना पड़े। अगर यहां तक ही की है तो फिर यहां तक फिर से करनी पड़ेगी, थोड़ा इनएक्यूरेट हो जाएगा। नाउ यहां पर है 2.3, अगर ओरिजिन से ये 2.3 लेंथ की एक दूसरी आर्क हमें लगानी है, ये 2.3 का डिस्टेंस मैंने सेट कर लिया, यहां से ये रही ये दूसरी आर्क, तो ये ओ से बी डिस्टेंस था, ये बी से सी डिस्टेंस है तो हमें ये लेंथ मिल गई। तो ये लेंथ अगर हम देखें तो ये 2.3 की लेंथ की एक आर्क हमने यहां पर ड्रॉ की है। बस हमें इसका यूज कर अब एंगुलर पोजीशंस फाइंड करने हैं। तो बी को हमने रेफरेंस लिया था यानी कि थीटा बी जो रहेगा वो जीरो डिग्री रहेगा। अब थीटा सी की बारी, अगर वो हम देखें इस प्रकार से थोड़ी ये लाइन अगर एक्सटेंड कर दो तो आपको एक्यूरेटली मेजरमेंट मिलेगा। तो अगर आप ये देखो तो ये 115 डिग्री पर है यानी कि थीटा सी इक्वल्स टू 115 डिग्री। अब ये जो एंगल मिला ये थीटा डी का है, ये 2.3 की ये लाइन हमने यहाँ ओरिजिन से बनाई है तो अगर ये एंगल हम मेजर करें, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो जिससे आपको ये प्रोटेक्टर रखने में आसानी रहे, और अगर ये लाइन अगर देखें हम तो करीबन करीबन ये यहाँ पर 80 डिग्री की है। अगर ये देखें तो ये 180 डिग्री प्लस 80 यानी कि 260 डिग्री, तो थीटा डी का एंगल रहेगा वो 260 डिग्री रहेगा। कुछ इस प्रकार से हमें सारी एंगुलर पोजिशन हमने बी सी एंड डी की फाइंड कर ली है। अब हमें मास ऑफ ए
एंड एंगुलर पोजिशन ऑफ ए फाइंड करनी है। तो हम अगर यहाँ पर कपल की वैल्यू देखें, जो कि अब अभी हमें कपल पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ करना है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के लिए। हमने कपल पॉलीगन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, अब हमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स डायग्राम यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू एम आर का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो इनकी वैल्यू काफ़ी छोटी है, तो मैंने थोड़ा जूम रहे आपको स्केलिंग करके दिखाया। तो उसके लिए मैंने जो स्केल लिया है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.33 किलोग्राम मीटर। और यहाँ आप सबसे पहले एक फिगर दिखा दूँ, तो कुछ इस प्रकार से फिगर हुई है। मैंने यहाँ पर कैसे कंसिडर किया कि 1 किलोग्राम मीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो भी किलोग्राम मीटर मुझे यहाँ पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मिलेगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या होगा, जो फिगर बनेगी हमारी ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पॉलीगन डायग्राम वो 3 गुना बड़ी हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज मैंने कुछ इस तरह से, ये है कपल जो टेबल है उसमें से ये मैंने वैल्यूज यहाँ पर किलोग्राम मीटर में लिखी है। ए की वैल्यू एम इंटू आर, एम यानी कि जो मास ऑफ ए है और वो 110 mm डिस्टेंस था ए एंड बी के बीच में, वो हमने यहाँ पर 0.11 ले लिया है इन मीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.11 मीटर इंटू मास ऑफ ए हो गया। नाउ बी की वैल्यू कुछ इस तरह से, तो मैंने सारी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये किलोग्राम मीटर यानी कि यहाँ पर एग्जांपल लेकर लिखा है तो आपको समझ आ जाए। किलोग्राम मीटर यानी कि 2.24, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी वैल्यू आई। सी एंड डी के लिए कुछ रिस्पेक्टिवली इसी तरह से। नाउ अब यहाँ ए की वैल्यू को हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो हमें लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट को ज्वाइंट कर पता चल जाएगा। नाउ आगे हम चले तो बी का जो एंगल है थीटा बी वो 0 डिग्री है हॉरिजॉन्टली, वो हमने ऐसा एज्यूम किया है। यहाँ पर 6.72 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ स्केल रखकर जैसे कि ये लाइन है 6.72 की, तो ये लाइन मैंने एग्जैक्टली 6.72 की बना ली है हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री पे। अब बी से सी यानी कि जो थीटा सी हमें मिला है वो है 115 डिग्री, यहाँ पर लिखा ही है मैंने। तो ये थीटा सी है 115 डिग्री। तो प्रोटेक्टर रखना है कुछ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी कर देनी है अगर आपको समझना है तो, और यस यहाँ पर डॉट कर देना है। फिर उसकी लेंथ है जो मैंने यहाँ पर निकाली वो 6.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना देनी है 115 डिग्री पे। नाउ यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है जिससे हम फिर थीटा डी जिसका एंगल है, अगर ये एंगल हम देखें वो है 260 डिग्री। यहां पर हमने प्रोटेक्टर रखा, एकदम परफेक्टली, और ये 180 प्लस ये यहां तक 80, ओके। तो ये 260 का एंगल बन गया ये, और इसकी लेंथ है 3.84 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर 3.84 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, और हम यहाँ पर 3.85 की बनाएंगे क्योंकि इतना एक्यूरेटली हम बना नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हम 3.7 एंड 8 के बीच में एक डॉट बना देंगे और ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद अगर देखें यहाँ तक हमें हमारा पॉइंट मिल गया है, तो ये एंडिंग पॉइंट रहेगा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। इन दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है और इसकी लेंथ और एंगल देख लेना है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी, फिर कुछ इस तरह से अगर मेजर करें तो देखें तो ये यहाँ पर 30 आएगा, 180 प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें 210 डिग्री पे हमारा लास्ट पॉइंट और वो हमारे मास ऑफ ए की पोजीशन मिलेगी हमें। यहाँ पर ये लाइन रहेगी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हमें अगर स्केल रखकर निकाले
थिकनेस अगर ये हम मेजर करें तो ये लाइन की जो लेंथ रहेगी वो 0 से यहाँ करीबन 3.9 से थोड़ी ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पर 3.9 जितना अगर कंसिडर करें, 3.9 सेंटीमीटर की लेंथ जो स्केल है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो स्केल रहेगा हमारा 1/1/3। तो 1/3 करेंगे तो ये नियरली 1.3 की ये किलोग्राम मीटर की ये लाइन हो जाएगी एक्चुअल में। और इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0.11 × mm, MA यानी कि मास ऑफ ए। तो हमें यहाँ पर मास ऑफ ए मिल जाएगा, मास ऑफ ए इक्वल्स टू 1.3/0.11। अगर ये वैल्यू निकाले हम तो ये करीबन 11.8 किलोग्राम रहेगा और नियरली देखे तो 12 किलोग्राम। जितना भी आप परफेक्टली और शार्पन पेंसिल से ये ड्रॉ करोगे, ये ग्राफिकल मेथड यूज करोगे, उतना आपका आंसर परफेक्ट आएगा। और इसका एंगल अगर हम देखें तो एंगल करीबन 210 है। तो मास ऑफ ए है वो नियरली 12 kg आ रहा है और जो एंगल ऑफ ए है वो 210 degree, कुछ इस तरह से। जितना भी आप लीड पेंसिल का यूज करोगे, उतना शार्पन पेंसिल तो आपकी जो ये अगर डायग्राम है वो परफेक्ट आएगा और उतनी वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्पल।